खबर देवास से है, जहां कोतवाली पुलिस ने शहर के अलग अलग क्षेत्रों में 30 नंबर बीड़ी के बंडल जब्त करके 3 लोगों को हिरासत में लिया है। कोतवाली पुलिस को दी भारत बीड़ी, वृक्ष के ऑर्थोराइजर डीलर चेकिंग अधिकारी ने शहर में नकली बीड़ी मिलने की शिकायत की। उसके बाद कोतवाली पुलिस ने यह कार्यवाही करते हुए करीब 2 से 2.5 लाख रुपए कीमत के 30 नंबर बीड़ी के बंडल जब्त किए हैं। फिलहाल कोतवाली पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। यह बंडल कहां से मंगवाए जाते थे, कब से बीड़ी का व्यवसाय किया जा रहा था, पुलिस कई बिंदुओं पर पूछताछ करने में जुटी है। जांच करने के बाद कार्यवाही की जाएगी। कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह परमार ने बताया कि हमें सूचना प्राप्त हुई थी, उसके बाद टीम भेजी गई थी, कुछ माल मिला है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूछताछ के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। अलग अलग जगह से माल बरामद हुआ है, करीब 2 से 2.5 लाख का माल बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। हमें सूचना प्राप्त हुई थी जो भारत बीड़ी वर्क्स के जो वहाँ के डीलर और चेकिंग करता अधिकारी हैं, उनको द्वारा बताया गया था कि यहाँ पे जो है हमारे कंपनी का जो माल का रेपर लगा हुआ है, नकली बीड़ी जो है बेची जा रही है। सूचना पर हमने यहाँ कोतवाली की टीम भेजी गई थी और कुछ माल अभी मिला है, अपन उससे पूछताछ भी कर रहे हैं और माल की जो है अभी जाँच भी की जा रही है। जाँच के बाद जो भी उसमें होगा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तो माल मिला है, उसकी जाँच करने के बाद ही पता लगेगा कितने का माल है। अनुमानित 2.5 लाख का माल बता रहे हैं।